So hello everyone, here I'm back with new blog with new CD, which is COLOGM. I think it's colon. I don't know what they call it, but it sounds like colon. So it is regarded as one of the most durable CD in Germany. Rhine River, and it is also called as most largest medieval city in Germany. It is a great place for sightseeing and places to visit, including Ludwig Museum and Cologne Cathedral. The Cologne Christmas market are also. So it sounds like there are a lot of things to explore. So without any further delay, let's go and explore these. Wir begrüßen Sie im RE 5 nach Wesel. Nächster Halt, Koblenz Stadtmitte. Main railway station. You can see decoration everywhere because of Christmas. So it seems like it is going to be very fun. So I just came out from the station, railway station, and look what I have found. Yeah. कोलोन कैथेड्रल जो कि जस्ट स्टेशन के बाहर ही है, तो अच्छा हुआ ज़्यादा चलना नहीं पड़ा. बट इस कैथेड्रल को देखने के बाद मुझे ऑस्ट्रिया की याद आ रही है. ऑस्ट्रिया में भी एकदम सिमिलर ही कैथेड्रल है, बस फर्क इतना है कि ये थोड़ा सा काफ़ी वाइड है और बाहर से है तो खूबसूरत, लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना ऑस्ट्रिया का सिम्बॉल ऑफ ऑस्ट्रिया जो है, सिम्बॉल ऑफ वियना, वो काफ़ी बड़ा था. तो फिलहाल चलते हैं और इस खूबसूरत से भी चर्च को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या खास बात है इस चर्च के बारे में. लेट्स गो. पंद्रह अगस्त से बनना शुरू हुआ था. लेट मी करेक्ट यू, 1248 से बनना शुरू हुआ था और कुछ ऐसे ही 300 साल लगे थे इस चर्च को बनने में. 1500 समथिंग में ये बन के कम्प्लीट हो गया था. तो
अभी जितना हम बाहर से फील ले सकते हैं उतना मैं लेने की कोशिश करूंगा। मतलब आई मीन इसकी आर्किटेक्चर्स देखो, ये एक कैथोलिक चर्च है और क्या बेहतरीन तरीके से इन्होंने बनाया है। आई मीन उस टाइम पे ऐसे आर्किटेक्चर्स हुआ करते थे जिनकी तारीफ में आप जितना भी बोलो वो बहुत कम है। तो ये जो चर्च है वाकई में ये वियना कंपैरिजन में है बहुत बड़ा, बट ऑफकोर्स कि जो वियना में एंट्री देने अंदर जाके देख सकते थे यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, बट फिलहाल फिर भी ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। और मैं आपको इसके कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाता हूँ मैं, जो अब बिलीव नहीं करूँगा कि ये आज से नहीं भी तो कितने 600-700 साल पहले बने हैं और आज भी पूरी तरह से बरकरार है वैसे के वैसे। आई मीन इट्स टोटली अमेजिंग, इट्स वर्थ टू बी इन कोलो टू एक्सप्लोर सच काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। ये 600 साल पुराने मार्बल्स हैं, कोई कह सकता है आजकल हम ज़्यादा आजकल मतलब हम लोग जो मार्बल खरीद के लाते हैं वो मुश्किल से कुछ ही साल हुए होते हैं जिनके हालत इतने बुरे हो जाते हैं। और ये इस चर्च की जो लेंथ है 144 मीटर है और विड्थ जो है कुछ अराउंड 85-86 मीटर, जो कि वाकई बहुत होता है। बट स्टिल अगर सच में मुझे कोई ढंग का अगर चर्च एक्सप्लोर करना है तो मैं वियना को ही क्रेडिट दूंगा, इससे काफ़ी बेटर है वियना वाला। जर्मनी में दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, इफ यू आर इन जर्मनी एंड वांट टू एक्सप्लोर द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट चर्च, देन दिस चर्च इज फॉर यू। सारी दुकानें बंद रखते हैं, सिर्फ इंजॉय करते हैं। अरे एक दो तो दुकानें खोल रखो, मतलब सोचो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और एक भी शॉप्स ऐसा ओपन नहीं है, सारे शॉप्स क्लोज हैं। हालांकि चर्च है, चर्च के पास ये सारी क्रिसमस की चीज़ें चाहे चर्च से रिलेटेड सुविधाएं वगैरह सब मिलना चाहिए, बट सब बंद है। मतलब जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग खरीदें या नहीं खरीदें, पैसे की इनकी इतनी ज़रूरत है नहीं। चर्च के पास में ही लुडविंग म्यूजियम है। वैसे इस कोलोबन सिटी में म्यूजियम बहुत सारे, मगर स्टिल मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास वक्त वैसे भी ज़्यादा नहीं है, तो इतने से वक्त में जितना अच्छी अच्छी चीज़ें हैं स्टोर कर सकता हूँ करूँगा। सो लेट्स गो फाइंड समथिंग मच मोर इंटरेस्टिंग इन कंपेयर टू म्यूजियम। I don't have that much time to explore the museums.